जब हमारे देश का संसद सुरक्षित नहीं है तो इस देश की आम जनता, इस देश का आम नागरिक, इस देश का आम घर कैसे सुरक्षित होगा। तो मैं ये मेरा यही सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी से। अपने दिमाग ही नहीं खाई जब ये सत्ता से बाहर थे, विपक्ष में बैठे हुए थे, तो क्या ये संसद चलने देते थे? देश की हमारी जो महिला है सोनिया जी, क्या क्या नहीं बोला गया उनको, क्या क्या नहीं बोला गया खड़गे साहब को, क्या क्या नहीं बोला गया? क्या हमारे लिए मर्यादा है? देश के प्रधानमंत्री जी के लिए मर्यादा नहीं है? देश के प्रधानमंत्री जी के लिए संविधान नहीं है? अगर आप ही ऐसी बात कर, मैं नफरत की चाय नहीं पीता, मैं मोहब्बत की चाय पीता हूँ। जो कि आज राहुल गांधी अपना पैगाम लेकर चले हैं, वो मोहब्बत की चाय परोस रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नफरत की चाय परोस रहे हैं। 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 14 प्रधानमंत्री इस देश में हुए, सबसे ज्यादा इन्हीं के कार्यकाल में देश आज नीचे बिल्कुल इकोनॉमी में आ चुका है। और ये कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है। ऐसे बनेगा विश्व गुरु कि एक महिला का अपमान होता है, किसान आत्महत्या करता है, फौजी अपनी वन रैंक वन पेंशन के लिए परेशान होता है। विश्व गुरु तो बन नहीं सका, इतना जरूर है हमारे देश में अंधभक्त जरूर पैदा हो गए। जनता के खिलाफ सौतन रहेगी, सौतन मैं कहूंगा ईवीएम को, मोदी जी की महबूबा, जब तक उनके पास ईवीएम का वरदान है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इसी वजह से हुए हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, शर्त लगा के आप ब्लैक पेपर से चुनाव कर लो अगर ये काउंसलर का भी चुनाव जीत जाए, काउंसलर का भी। जंतर मंतर मैं पहुंचा हूँ, आपको मेरे हाथ में बैनर दिखाई दे रहा होगा। जब हमारे देश की जनता ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र का फिर किस क्या काम? जब कानून ही नहीं होगा तो लोकतंत्र का क्या काम? क्या हो गया ऐसे हमारे देश में जो आपको जंतर मंतर आना पड़ा? आपको दिखाई नहीं दे रहा पत्रकार महोदय के 10 साल में क्या क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या हो रहा है? आप देखिए, सिर्फ बात हो रही है तो मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, जातिवाद की बात हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, मुद्दों पर बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, मुद्दों से भटकाती है, मुद्दों से भागती है। और विपक्ष उनसे सवाल करता है तो उनको क्या सजा मिलती है? निलंबित किया जाता है। अगर जब हमारे देश का संसद सुरक्षित नहीं है तो इस देश की आम जनता, इस देश का आम नागरिक, इस देश का आम घर कैसे सुरक्षित होगा? तो मैं ये मेरा यही सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप अपनी मनमानी मत करिए, ये जनता जनार्दन है, कभी कुर्सी पर बिठा देती है तो जमीन पर भी लेकर आ जाती है। जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उनको बोलने की आजादी है, लेकिन हंगामा करेंगे तो निलंबित तो किया जाएगा ही, अपमान करेंगे आप हमारे देश के उपराष्ट्रपति का, तो जाहिर सी बात है। शायद आपने दिमाग ही नहीं खाई जब ये सत्ता से बाहर थे, विपक्ष में बैठे हुए थे, तो क्या ये संसद चलने देते थे? देश की हमारी जो महिला है सोनिया जी, क्या क्या नहीं बोला गया उनको, क्या क्या नहीं बोला गया खड़गे साहब को, क्या क्या नहीं बोला गया? क्या हमारे लिए मर्यादा है? देश के प्रधानमंत्री जी के लिए मर्यादा नहीं है? देश के प्रधानमंत्री जी के लिए संविधान नहीं है? अगर आप ही ऐसी बात करने लगोगे, मीडिया जो होता है वो चौथा स्तंभ होता है जो कि विपक्ष के साथ होना चाहिए, ना कि सत्ताधारी की गोद में बैठा होना चाहिए। विकास कर रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है देश। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर विकास हुआ है तो आप जैसी गोदी मीडिया का, आपके भ्रष्ट नेताओं का, इस देश के उद्योगपतियों का, इस देश के पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी का, जी न्यूज के मालिक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ऐसा करिए, मेरे हाथ में ये दे दीजिए कैमरा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप क्या मोदी जी की चाय पीकर आए हैं? बोलने तो दो। आपने नहीं पिया कभी? मैं नफरत की चाय नहीं पीता, मैं मोहब्बत की चाय पीता हूँ। जो कि आज राहुल गांधी अपना पैगाम लेकर चले हैं, वो मोहब्बत की चाय परोस रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नफरत की चाय परोस रहे हैं। आपने देखा देश विकास कर रहा है, जब से मोदी जी आए देश विकास कर रहा है, इतना विकास कर रहा है कि आज हमारे देश पे 10 साल में 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 14 प्रधानमंत्री इस देश में हुए, सबसे ज्यादा इन्हीं के कार्यकाल में देश आज नीचे बिल्कुल इकोनॉमी में आ चुका है। और ये कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है।
ऐसे बनेगा विश्वगुरु कि एक महिला का अपमान होता है, किसान आत्महत्या करता है, फौजी अपनी वन रैंक वन पेंशन के लिए परेशान होता है। विश्वगुरु तो बन नहीं सका, इतना जरूर है हमारे देश में अंधभक्त जरूर पैदा हो गए। लेकिन भाजपाई कहते हैं तीन राज्य में करारा हार हुई है, इसलिए बुखलाए हुए हैं विपक्ष। देखिए, जब तक हमारी देश की जनता के खिलाफ सौतन रहेगी, सौतन में कहूंगा ईवीएम को, मोदी जी की महबूबा, जब तक उनके पास ईवीएम का वरदान है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इसी वजह से हुए हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, शर्त लगा के आप ब्लैक पेपर से चुनाव कर लो अगर ये काउंसलर का भी चुनाव जीत जाए, काउंसलर का भी। ये ईवीएम जिसको आप सौतन कह रहे हो वो भी तो कांग्रेस की लाई हुई है। बिल्कुल सही जवाब, हम लेकर आए थे, हम जनता की भले के लिए लेकर आए थे, जनता के परेशानी ना हो इसलिए नहीं लेकर आए थे कि ये आने वाली भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग करे। एक हफ्ते के लिए आप हमारी साइड आ जाइए, और ये जितनी भी एजेंसियां है ना, हम एक हफ्ते के लिए हमारे हाथ में दे दो। ये जितने भी सत्ता में बैठे हुए आज अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं ना, इतने घोटाले उजागर होंगे इनके, शायद 65 साल में तो इतने घोटाले नहीं हुए जितने 10 साल में हो गए। 3 लाख करोड़ रुपए का याद है आपको कश्मीर का पानी का घोटाला है, CGI रिपोर्ट है वो दबा दी गई। इतने घोटाले हैं कि ये सारे जितने भी अपने आप को ईमानदार कहते हैं सबके सब जेल में होंगे। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल के आपको अच्छे काम नजर नहीं आएंगे। आप मुझे 9 साल कहा जा रहा है, 9 साल बेहाल, 9 साल बेहाल। जब हमारे देश की एक जिला अधिकारी जो जज है वो ही सुरक्षित नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ दिव्या चंद्रचूड़ है उनको पत्र लिखना पड़ता है कि मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, एक जज उनको पत्र लिख रही है, तो क्या हमारे देश की बेटी सुरक्षित होगी? इसलिए मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो है एजुकेशन। एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जैसे करप्ट नेता आपको बहकाएंगे नहीं, ना ही आप धर्म के बहकाए में आएंगे ना जातिवाद के। देश कह रहा है देश सुरक्षित हाथों में, आप कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ, देश खतरे में है। इतना सुरक्षित हाथों में है कि हमारे 42 फौजी शहीद हो जाते हैं। विपिन रावत जिनका ये कहते हैं एक हादसा हुआ है, अगर सरकार चेंज होती है ना, जांच होने लगे ना, विपिन रावत जो शहीद हुए हैं जो ये हादसा बताते हैं कहीं ना कहीं यही जिम्मेदार निकलेंगे, और पुलवामा अटैक के भी यही जिम्मेदार है। आज देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश को बचाना है तो इन लोगों से ही बचाना है। लाल आंखों से चीन और पाकिस्तान कांप रहा है। कोई नहीं कांप रहा भैया, कोई नहीं कांप रहा। चीन आप गए सर्वे किया आपने? विपक्ष तो कांप रहा है ना। आप भाई साहब, हम कांपने वालों में से नहीं है, हम हमेशा सच के साथ रहते हैं, और एक दिन सच की जीत होगी, झूठ कितना ही भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन सच्चाई की जीत होगी। लेकिन विपक्ष जो है जनता के बीच में नहीं जाती है, लेकिन जब उस पे कार्रवाई होती है तो जंतर मंतर पे आवाज उठाने की आ जाती है। कौन कह रहा है? हमेशा राहुल गांधी सड़क पर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और इस देश का सपना है कि ऐसा प्रधानमंत्री की जरूरत है, राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। इस देश को पढ़े लिखे नौजवान युवा की जरूरत है। भाजपा में पता आजकल क्या हो रहा है, रोजगार तो दे ही नहीं रही वो, ठीक है, आओ और बाबा बन जाओ, जैसे कि बागेश्वर है, उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना जो ब्लैक पैसा है वो व्हाइट किया जा रहा है। तो क्या लगता है 2024 में इंडिया गठबंधन का मुकाबला कर पाएगी? क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाएगी? आप ये हुजूम देख रहे हैं, ये पैसों की लाई हुई भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, जो घर से अपने रोजगार से परेशान है, ये वो माँ बहने नहीं है जो पैसों में लाई हुई है, ये वो माँ बहने हैं जो पीड़ित हैं यहाँ के कानून से, इस सरकार के कानून से। तीन राज्य में करारा हार देखा आपने, जनता ने मोदी जी की ही, उनको ही भाजपा को ही चुना है। आपने अभी रिकॉर्ड नहीं देखा कि 4,90,15,000 वोट हमने लिए और जनता हम के उस पर हम खड़े उतरे, 10 लाख वोट हमने ज्यादा लिए,
सब ये ईवीएम का खेल है। अभी मैंने कहा ना ब्लड पेपर से चुनाव करा लीजिए, ये चेयरमैन ही कभी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।